Hello students, myself Sivkan Megwal. I am lecturer at Government Polytechnic College Pali in Electronics Department. पिछले टर्म पे हमने दो टाइप के माइक्रोफोन्स के बारे में पढ़ा. फर्स्ट था कार्बन टाइप का माइक्रोफोन, उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी. कंस्ट्रक्शन के बाद इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े. उसके बाद दूसरा टाइप माइक्रोफोन था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टाइप का माइक्रोफोन, इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी, इसकी वर्किंग पढ़ी, इसके एडवांटेजेस पढ़े और इसके डिसएडवांटेजेस पढ़े. आज हम तीसरा टाइप का माइक्रोफोन है, कंडेंसर टाइप का माइक्रोफोन, इसके बारे में पढ़ेंगे. कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं. द कैपेसिटर इन ए स्टूडियो द कैपेसिटर इन स्टूडियो कंडेंसर माइक्रोफोन कंसिस्ट ऑफ टू मेटल सरफेस प्लेट सस्पेंडेड इन वेरी क्लोज प्रोक्सीमिटी टू ईच अदर विद ए वोल्टेज अक्रॉस देम. यहाँ डायग्राम में हम देखें तो एक डायफ्राम होता है, डायफ्राम के पीछे बैक प्लेट होती है. अब ये जो डायफ्राम होता है ये लाइट वेट का होता है और बैक प्लेट है वो मेटल की बनी होती है. वन ऑफ द मेटल प्लेट इज़ कॉल्ड बैक प्लेट विच इज़ टिपिकली मेड ऑफ सॉलिड ब्रास. यानी जो बैक प्लेट होती है वो सॉलिड ब्रास की बनी होती है. एंड द अदर इज़ कॉल्ड डायफ्राम मेड ऑफ वेरी लाइट वेट मेटल और इन मैनी केसेस गोल्ड स्पिटेड माइलर की बनी होती है. यानी डायफ्राम लाइट वेट की होती है, गोल्ड स्पिरिटेड माइलर की बनी होती है, और जबकि जो बैक प्लेट होती है जो डायफ्राम के जस्ट बैक साइड होती है ये भी मेटल की बनी होती है. द कैपेसिटर इज हाउस्ड इन व्हाट्स कॉल्ड माइक्रोफोन कैप्सूल. इन दोनों प्लेट को एक कैप्सूल के अंदर हम माइक्रोफोन में कैपेसिटर कैप्सूल के अंदर दोनों प्लेट को हम रखते हैं. इट कैन बी प्लेनली सीन इन एंटायरली when you remove this microphone grill from the most condenser mics. इनको जब हम जो माइक्रोफोन कैप्सूल है उसको इजीली देखा जा सकता है जब हम ग्रिल को हटाते हैं उस समय. अब वर्किंग ऑफ कंडेंसर टाइप माइक्रोफोन क्या होता है. ए कैपेसिटर हैज टू प्लेट्स विद वोल्टेज बिटवीन देम. यानी जो बैक प्लेट और जो डायफ्राम होता है इसके बीच में वोल्टेज होता है. इन द कंडेंसर माइक वन ऑफ दिस प्लेट इज़ मेड ऑफ वेरी लाइट मटेरियल एंड एक्ट एज द डायफ्राम. यानी लाइट जो मटेरियल की होती है वो डायफ्राम होती है. द डायफ्राम वाइब्रेट्स व्हेन स्ट्रक बाय साउंड वेव. जब साउंड वेव इसके ऊपर स्ट्रक होती है तो ये वाइब्रेट करती है. द डायफ्राम वाइब्रेट्स व्हेन स्ट्रक बाय साउंड वेव्स चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स एंड देयरफॉर चेंजिंग द कैपेसिटेंस. यानी अब ये जो बैक प्लेट है डायफ्राम के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम वेरी कर दें तो कैपेसिटेंस चेंज होता है. यानी जब साउंड वेव स्ट्राइक होती है तो दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस वेरी होती है. जब अपन जानते हैं कि सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी है. डिस्टेंस यदि ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस का मान कम होगा और डिस्टेंस यदि कम है तो कैपेसिटेंस का मान ज़्यादा होगा. कैपेसिटेंस ए वोल्टेज इज रिक्वायर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर फॉर दिस टू वर्क. यानी इस कैपेसिटेंस को वेरी करने के लिए इसके अक्रॉस वोल्टेज देना पड़ता है. दिस वोल्टेज इज सप्लाइड एदर बाई ए बैटरी इन द माइक और बाई एक्सटर्नल फैंटम पावर. यानी या तो फैंटम पावर के द्वारा या एक्सटर्नल बैटरी के द्वारा दिया जाता है. अब इसका एक एग्जाम्पल है द इलेक्ट्रेट कंडेंसर माइक्रोफोन.
द इलेक्ट्रेट कंडेंसर माइक्यूस इज ए स्पेशल केस स्पेशल टाइप ऑफ कैपेसिटर विच हैज़ ए परमानेंट वोल्टेज बिल्ट इन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। यानी ये एक कंडेंसर माइक्रोफोन का एक स्पेशल एग्जांपल है जिसके अंदर पावर है वो परमानेंटली बिल्ट होती है जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दिस इज़ सम वॉट लाइक ए परमानेंट मैग्नेट इन दैट इट डजेंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर फॉर ऑपरेशन। ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह होता है जो कि एक्सटर्नल पावर की ऑपरेशन के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। However, good electric condenser mics usually include a pre-amplifier which does still require, लेकिन जितने अच्छे electric condenser microphones होते हैं उसके अंदर pre-amplifier होते हैं और pre-amplifier के लिए power की ज़रूरत पड़ती है। Other than this difference, you can think of an electric condenser microphone as being the same as the normal condenser. इस difference के अलावा जो एक ordinary condenser microphone होता है और इलेक्ट्रेट कंडेंसर माइक्रोफोन होता है लगभग दोनों सेम होते हैं। अब जो माइक्रोफोन की जो चौथा प्रकार है फोर्थ टाइप है वो क्रिस्टल टाइप माइक्रोफोन है। क्रिस्टल टाइप माइक्रोफोन के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ें तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में हम देखें तो ए साउंड वेव्स देखिए एक डाइफॉर्म पे ड्रॉप हो रही है। डाइफॉर्म के ऊपर एक पीजो इलेक्ट्रिक जो है एक पल्सरी स्ट्रिप है वो कनेक्ट होती है। उसके बैक साइड में देखिए मैग्नेट है कोयल है और ये क्या है एक जो करंट ऑडियो सिग्नल को लेके जा रही है कोयल है। कंस्ट्रक्शन में हम देखें तो क्रिस्टल विच डेमोन्स्ट्रेट द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस वोल्टेज व्हेन दे आर डिफॉर्म। बेसिकली इस तरह के क्रिस्टल जिसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जब उसका डिफॉर्मेशन करते हैं बाय प्रेशर बाय फोर्स बाय स्ट्रेस तो उस समय डिफॉर्मेशन से क्या होता है उसमें वोल्टेज जनरेट होते हैं। द क्रिस्टल माइक्रोफोन यूजेज ए थिन स्ट्रिप ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल अटैच्ड टू डायफ्राम। यानी द क्रिस्टल माइक्रोफोन एक स्ट्रिप ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या कर देते हैं डायफ्राम पे अटैच कर देते हैं और द टू साइड्स ऑफ द क्रिस्टल एक्वायर अपोजिट चार्जेस व्हेन द क्रिस्टल इज डिफ्लेक्टेड बाय द डायफ्राम। जब डायफ्राम को डिफ्लेक्ट करते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर दोनों तरफ डिफरेंट चार्जेस जनरेट होते हैं। द चेंजेस द चार्जेस आर प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द डिफॉर्मेशन एंड डिसअपियर व्हेन द स्ट्रेस ऑन द क्रिस्टल डिसअपियर। जब क्रिस्टल के ऊपर स्ट्रेस को रिमूव कर दिया जाए तो ये जो वोल्टेज है वो भी डिसअपियर हो जाता है और ये जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन या प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस होता है। अर्ली क्रिस्टल माइक्रोफोन यूज रॉसले साल्ट बिकॉज ऑफ इट्स आउटपुट बट इट वॉज सेंसिटिव टू मॉइस्चर एंड समवॉट फ्रैगिल। स्टार्टिंग के अंदर हमें जो रॉसले साल्ट काम में लेते थे लेकिन रॉसले साल्ट की कुछ प्रॉब्लम है कि इट वॉज सेंसिटिव बाई मॉइस्चर। ये मॉइस्चर का सेंसिटिव होता है। लेट माइक्रोफोन यूज सिरेमिक मटेरियल सच एज बैरियम टाइटेनेट एंड लीड जर्कोनेट। यानी जो बाद में जो माइक्रोफोन काम में ले गए उसके अंदर सिरेमिक मटेरियल काम में ले गया बैरियम टाइटेनेट और लीड जर्कोनेट काम किया। द इलेक्ट्रिक आउटपुट ऑफ क्रिस्टल माइक्रोफोन इज कंपेरेटिवली लार्ज। अब जो सिरामिक यानी यह जो क्रिस्टल माइक्रोफोन है इसका जो आउटपुट जनरेट होता है वो दूसरों के कंपेरिजन बहुत ही लार्ज होता है। अब इसकी वर्किंग है क्रिस्टल अब हमने पढ़ा कि क्रिस्टल जिसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और जो क्रिस्टल डायफ्राम के ऊपर एक क्रिस्टल की स्ट्रिप लगा देते हैं। स्ट्रिप लगाने के बाद उसका डिफॉर्मेशन करते हैं। डिफॉर्मेशन करने पर स्ट्रिप के जो दोनों तरफ है डिफरेंट जो अपोजिट होते हैं यानी जो डिफॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस वोल्टेज का होता है। इन ईच केस मोशन ऑफ द डायफ्राम प्रोड्यूस ए वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिक आउटपुट। अब जब डायफ्राम का मोशन होता है तो ये इलेक्ट्रिक आउटपुट के अंदर वेरिएशन जनरेट करता है। बाय प्रॉपर डिज़ाइन ए माइक्रोफोन में बी गिवन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स।
अब हम यदि प्रॉपर डिज़ाइन करें तो माइक्रोफोन में ये डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट करता है, इट विल पिक अप साउंड प्राइमरली फ्रॉम ए सिंगल डायरेक्शन एंड यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम टू डायरेक्शंस। द माइक्रोफोन विल हैव हाई आउटपुट इन ऑर्डर ऑफ 10 टू 100 मिलीवॉट। इस तरह का जो क्रिस्टल माइक्रोफोन होता है वो 10 से लेकर 100 मिलीवॉट तक का आउटपुट जनरेट करता है ओमनी डायरेक्शन में, एंड इट्स चीपर, ये बहुत ही सस्ता होता है। द एडवांटेज ऑफ क्रिस्टल माइक्रोफोन इज दैट इट इज़ इजीली डैमेज्ड बाय मॉइस्चर और हीट। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये इजीली मॉइस्चर से डैमेज हो जाता है हीट से। दिस टाइप ऑफ माइक्रोफोन इज यूज टू कैसेट रिकॉर्ड्स, यानी इस तरह का जो माइक्रोफोन में काम में लिया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ माइक्रोफोन अल्टरनेटिव वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन साउंड मेक्स द डायफ्राम वाइब्रेट्स। इस टाइप का जो माइक्रोफोन है वो अल्टरनेटिव वोल्टेज के प्रोडक्शन में काम लिया जाता है जब साउंड क्या करता है डायफ्राम पे गिरता है और डायफ्राम में वाइब्रेट जनरेट होता है। द इम्पीडेंस इज वेरी हाई यूजुअली इन द ऑर्डर ऑफ 1 to 5 मेगा ओम। तो इससे जो इम्पीडेंस जनरेट होता है वो 1 मेगा ओम से लेकर 5 मेगा ओम। द चार्ज एंड हैंस वोल्टेज इज प्रोड्यूस यूजिंग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन दिस क्रिस्टल। द नेचुरल क्रिस्टल यूज इन दिस टाइप माइक्रोफोन आर ओसिल साल्ट एंड क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज और ही काम में लेते हैं। तो हमने जो आज पढ़ा वो क्रिस्टल टाइप माइक्रोफोन पढ़ा, एक कंडेंसेशन टाइप माइक्रोफोन पढ़ा, इसके पहली क्लासेस में हमने कार्बन टाइप का पढ़ा और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टाइप का माइक्रोफोन पढ़ा। इनकी वर्किंग पढ़ी, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े। ये चार तरह के माइक्रोफोन सिलेबस के अंदर है। थैंक यू।